नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थूरिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना की इजाजत शनिवार को दे दी है। रविवार को ही मतगणना होगी। आपको बता दें, कोरोना के मद्देनजर यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना रोकने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना कराने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक मतगणना चलेगी, कर्फ्यू जारी रहेगा और जीत के जश्न पर भी रोक लगा दी गई है, यानी कि जीत के बाद कोई विजय जुलूस नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हमने राज्य चुनाव आयोग की तरफ से रखी गई बातों को नोट किया है। हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने की जरूरत नहीं समझते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोटोकॉल हमारे सामने रखा गया, उसका पूरी तरह से पालन किया जाए। मतगणना केंद्र के बाहर सख्त कर्फ्यू हो और कोई विजय रैली ना निकाली जाए। इसके साथ ही यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक 2 मई को ही कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक हर मतगणना केंद्र पर एंटीजन टेस्ट का इंतजाम रहेगा। इसके अलावा मतगणना केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतगणना केंद्रों पर वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया जाए। आपको बता दें, इससे पहले कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा था कि क्या मतगणना कराना जरूरी है, क्या उसको स्थगित नहीं किया जा सकता। अगर 3 हफ्ते तक टाल दिया गया तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि मेडिकल एक्सपर्ट से बात करने के बाद ही काउंटिंग कराने का फैसला लिया गया है। वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा, सभी का तापमान चेक किया जाएगा, सभी को मास्क अनिवार्य किए गए हैं और किसी भी तरह की रैली की इजाज़त नहीं होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।